आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही तमाम बयानबाजी शुरू हो चुकी है और हरियाणा में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ है। इसी बीच कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए निशाना साधा है। इसके साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पनौती बता दिया है। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राम मंदिर का नाच गाना हुड्डा जी को ले डूबा, राहुल जी आप तो सच में बहुत बड़ी पनौती निकले। बता दें कि राहुल गांधी हरियाणा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय नाच गाना हो रहा था। राहुल गांधी के इस बयान पर साधु संतों ने भी आपत्ति जताई थी। वहीं हरियाणा चुनाव रिजल्ट पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के परिणामों का मैं स्वागत करता हूं। हरियाणा में पीएम मोदी के प्रति जनता का भरोसा, हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अन्य सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को मैं इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। ये विजय साधारण विजय नहीं, ये कांग्रेस की हार है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की विजय महाराष्ट्र और झारखंड में भी मिलेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणामों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हरियाणा में तमाम दुष्प्रचार के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति हरियाणा की जनता का भरोसा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने की वहां की जनता की इच्छा को जो समर्थन मिला है, जो जनादेश मिला है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी सहित संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और वहां के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को इस ऐतिहासिक विजय के लिए बधाई देता हूं। जिस प्रकार से शानदार विजय हरियाणा में मिली है, इसी प्रकार की शानदार विजय आने वाले समय में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।